भारतीय किसान संघ के प्रदेश संगठन के सचिव सुरेंद्र ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर आज कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये ऐसी रिपोर्ट है जिसको कभी भी लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो ऐसी है कि किसी डॉक्टर ने ऐसी दवाई लिख दी है जो कभी मिल नहीं सकेगी और ना ही इसको खरीदा जा सकेगा, जबकि सभी किसान यूनियन स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाने की मांग कर रही हैं। सरकार को जैविक खेती व जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना चाहिए। वह आज इंद्री के गांव कलरी जागीर में अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। खेती महंगी होने के कारण आज देश का 45% किसान आत्महत्या कर रहा है। सरकार को परंपरागत खेती पर सरकार को भारी अनुदान देना चाहिए, तभी किसान की दशा ठीक होगी। आजादी के 70 साल बीत गए, प्रतिवर्ष 45 किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। पिछले 10 वर्षों में अगर क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट उठा करके देखें तो 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की। उसमें से 60% कारण कृषि का महंगीकरण है। यानी सुबह जो MS स्वामीनाथन है, 1960 के दशक में जो उन्होंने रासायनिक खेती के पाले में भारत के किसान को डाला और सरकार ने उसका अनुसरण किया, अंधानुकरण किया, जिसके कारण से खेती की लागत महंगी हो गई है और देश का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है रासायनिक खेती से। आज स्वयं स्वामीनाथन भी स्वयं कह रहा है कि ये तो धोखा हुआ, हमने गलत रास्ते पर डाला किसान को, विश्वासघात किया है, ये राष्ट्र की आत्मा से विश्वासघात है। खेती महंगी हो गई है और जिसके कारण से आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है। इसका सरल एक ही तरीका है कि अपनी परंपरा की खेती पर लौटे, कार्बनिक खेती पर किसान लौटेगा और सरकार को इस पर भारी अनुदान देना चाहिए। इंद्री से आजाद TV न्यूज के लिए विजय कंबोज की रिपोर्ट।